मध्य प्रदेश में इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए 2 से 3 महीने पहले भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश विधानसभा चुनाव के संयोजक नरेंद्र तोमर 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विपक्ष से हर मामले में आगे है, चाहे वह विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने का मामला हो, चाहे संगठनात्मक कार्यक्रम हो या फिर सोशल मीडिया का मामला हो, बीजेपी विपक्ष से हर मामले में आगे है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने 39 जो प्रत्याशी उनकी सूची घोषित कर दी है। साथ ही उन्होंने अन्य सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी होने पर चुप्पी साधी। भारतीय जनता पार्टी तो आगे है ही, चयन की प्रक्रिया में आगे है, संगठनात्मक कार्यक्रमों में आगे है, विधानसभा सम्मेलनों में आगे है, सोशल मीडिया में आगे है और जनता के समर्थन में आगे है। अरे टिकट के मामले में हमेशा चयन की एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों का चयन किया है, सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया है। जिनको चयन हुआ है उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।